है, देशभक्त देश को जोड़ता है, देशभक्त देश को तोड़ता नहीं है, देशभक्त मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, नफरत के बाजार नहीं चलाते हैं। ये मेरा आपके लिए मैसेज है, आप जो भी करते हो करो। अपनी पूरी शक्ति दी, आपने अपना प्यार दिया, फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। दो दिन के ब्रेक के बाद आज ये यात्रा यूपी के मुरादाबाद से शुरू हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुरादाबाद के जामा मस्जिद चौराहा से लेकर संबल चौराहा तक अपनी टीम के साथ पदयात्रा की। उनके साथ आज इस यात्रा में नजर आई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। बताया जा रहा है कि प्रियंका अमरोहा, संबल, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और आगरा होते हुए फतेहपुर सीकरी तक न्याय यात्रा में राहुल के साथ रहेंगी। मुरादाबाद में यात्रा के दौरान राहुल ने जनसभा की। कांग्रेस सांसद ने बीजेपी के अंबानी अडानी कनेक्शन को लेकर तंज कसा और पीएम मोदी पर जनता के मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही राहुल ने मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों की भागीदारी पर भी सवाल उठाए। राहुल आज मुरादाबाद में इंदिरा चौक, गल शहीद चौराहा, बुद्ध का चौराहा, ईदगाह का चौराहा, संबल मार्ग से होते हुए रविदास चौक पहुंचकर संत रविदास की प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहां से ये यात्रा अमरोहा पहुंचेगी, जहां न्याय यात्रा का स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें, बीते दो दिनों में यात्रा को रोका गया था। कांग्रेस नेता को कानपुर से दिल्ली रवाना होना पड़ा था और अब एक बार फिर नए जोश के साथ यात्रा यूपी में दोबारा शुरू हुई है। आज प्रियंका गांधी भी राहुल के साथ इस यात्रा में शामिल हुई हैं और 25 फरवरी को आगरा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी यात्रा में शामिल होने की बात कही है। ससुराल वालों, यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है और आज इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेते हुए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है, खास तौर से क्योंकि आज इस यात्रा में पहली बार मैं अपने ससुराल वालों के साथ आई हूँ। तो आपको याद होगा, बोलूं, आपको याद होगा मैं 2 साल पहले यहाँ आई थी, याद है? बड़ी मीटिंग हुई थी, बोलने दो भाई। आपको याद होगा 22 में मैं यहाँ आई थी, मीटिंग हुई थी बड़ी। अरे भैया बात सुनने दो, सुनने दो। और रोड शो भी हुआ था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि तब से आज तक कुछ बदला है? उस समय चुनाव था विधानसभा का, आपने भाजपा को जिताया, योगी जी को जिताया, 2 साल और उनको मौका मिला है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी असली समस्याएं हैं, आपका दुख है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो रोज रोज इन परीक्षाओं में जो पेपर लीक हो रहे हैं, जिनके लिए नौजवान बच्चे, आपके बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, फीस भरते हैं, ये सिलसिला अभी तक जारी है कि नहीं कि पेपर लीक होते रहते हैं, बताइए, जारी है? तो जब आप 2 साल बाद सरकार चुन रहे थे, आप चुनाव में अपना वोट डाल रहे थे, तो मैं जानना चाहती हूं कि आप क्या सोच रहे थे,
क्या आपने सोचा, सुनिए, क्या आपने सोचा कि यहाँ का विकास होगा? सोचा था? अब यहाँ पे पीतल के कारखाने हैं, बड़े बड़े पीतल के कारोबार हैं, क्या आपकी तरक्की हुई है? हुई है। जितनी भी मदद आपको सरकार से मिलनी थी वो बंद हो गई, ऊपर से जीएसटी, और जितना काम कर रहे थे उसका शायद आधा काम कर रहे हो गया आज। मुश्किलें कम हुई हैं या बढ़ी हैं? बढ़ गई हैं। यहाँ नौजवान हैं सारे, उस समय मैंने पूछा था रोजगार मिलता है, आज रोजगार मिल रहा है। तो ये जो मेहनत कर रहे हो, जो चार चार बजे सुबह पुलिस में भर्ती होने के लिए दौड़ लगाते हो, दो सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ लगाते हो, उसके बाद जब परीक्षा लिखते हो उसके लिए फीस भरते हो, माँ बाप मेहनत करके ट्यूशन में भेजते हैं, ये सब करने के बावजूद क्या होता है? आपको मालूम है कि 28 लाख बच्चों ने, यूपी के 28 लाख बच्चों ने पुलिस का भर्ती का इम्तिहान दिया है। 28 लाख, सोचो, इसका मतलब है कि यूपी के लगभग हर गांव में से 4 या 5 नौजवानों ने ये परीक्षा दी। एक आशा थी, एक उम्मीद थी उनके मन में, ये नहीं कि मुफ्त में कुछ मिल रहा है, पढ़ के मेहनत करके वो चाहते थे अपनी परीक्षा में पास हों। क्या हुआ? पेपर लीक हो गया। अब जब मैं यहाँ आई थी 2022 में, तो मैंने आपसे कहा था कि हमने एक घोषणा पत्र बनाया था, उसमें हमने एक पूरा प्लान बनाया था, एक पूरी योजना बनाई थी कि ये जो पेपर लीक बार बार होते हैं इसको रोकने की क्या योजना हो सकती है। उसमें जॉब कैलेंडर था, उसमें ये था कि एक कमीशन बनेगा और जितनी भी ये जो जितना भी अन्याय हुआ है उसको ठीक करने का काम होगा। और जॉब कैलेंडर में हर जो भी डेट था, परीक्षा का डेट, नियुक्ति की डेट, सारी पहले से तय, और जो उससे इधर उधर होता उसके खिलाफ कार्रवाई होती। तो ये तो 2-3 मुद्दे हैं, पूरे 10 मुद्दों का हमने एक पूरा प्लान बनाया था। तो मैं आपसे एक सीधी सीधी बात कहना चाहती हूँ, देखो चुनाव फिर से आ रहा है कि नहीं, फिर से आपको अपना मत डालना पड़ेगा। अब आप खुद ही देख रहे हो बार बार भाजपा की सरकार आ रही है, केंद्र में आ रही है, प्रदेश में आ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तब किसान आंदोलन कर रहे थे 2 साल पहले, आज किसान आंदोलन कर रहा है। तब सड़क पे बैठे थे ठंड में सर्दी में, आज बैठे हैं। तब उनकी सुनवाई नहीं थी, आज उनकी सुनवाई नहीं है। और इसी तरह से आप सोचिए, जब जब बुलडोजर चलता है इनका तो किसके घरों पे चलता है? किसके घरों पे चलता है? जोर से बोलो। जिसने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला, उसके घर पे क्या बुलडोजर चला? जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उसके घर पे बुलडोजर चला? जो ये पेपर लीक के घोटालों से पैसे खाए जा रहा है, उन लोगों के जिन्होंने पैसे खाए हैं, जो बार बार ये घोटाला करते हैं, बार बार लीक कराते हैं, उनके घरों में बुलडोजर चला? नहीं चला ना। सोचिए, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं दिखावे के लिए। ये जितने बड़े बड़े इश्तिहार आपको दिखते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि बहुत तरक्की हो रही है, जब तक आपकी तरक्की नहीं होगी, जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक आपके पेपर लीक बंद हो नहीं होंगे, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती है। जब तक यहाँ की महिलाएं सुरक्षित ना हो, आगे बढ़ नहीं पाए, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो रही है। तो मैं सिर्फ आपको, मैंने उस समय भी बोला और अभी भी बोल रही हूँ, अपने अनुभव को देखो कि भाई 5 सालों में 10 सालों में मिला क्या है। नौकरी मिली, दुकान जाते हो तो सब्जी खरीद पाते हो। आपको मालूम है गन्ने का जो दाम है, जो आपको मिलना चाहिए सरकार से,
वो हर साल पिछले 7 सालों में हर साल सिर्फ मात्र 7 रुपए गन्ने का दाम बढ़ा है कि नहीं? 7 रुपए, ठीक है, तो मान लो 5 सालों में 35 रुपए बढ़ा होगा। और आप जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो कितने बढ़ गए दाम? आलू मिलता है, प्याज मिलती है, टमाटर मिलता है। आप जाते हो 3 चीजों को लेने के लिए, घर आते हो 1 लेके। तो भाई देखो, जब तक आपको खुद समझ में नहीं आएगा, जब तक आप अपने अनुभव पर नहीं उतरोगे, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। हम चीखते चिल्लाते जाएंगे, कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव तब आएगा जब आप अपनी परिस्थितियों को समझकर अपना वोट डालोगे, जब आप सवाल उठाओगे सरकार से कि मुझे सब्जी क्यों नहीं मिल रही है, इतनी महंगाई क्यों है, मेरा बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, उसको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। जब तक ये सवाल आप नहीं उठाएंगे, जब तक इन परिस्थितियों को देखते हुए आप अपना वोट नहीं डालेंगे, तब तक आप इसी खाई में डूबे रहोगे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस खाई में से निकलो। जब वोट डालने जाते हो, सोच समझ के अपना वोट दो। कांग्रेस पार्टी के पास योजनाएं हैं, करके दिखाया है, और आप सब अपने ही अनुभव से ये चीज समझते हैं। तो आज आपके बीच आकर मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो भी वोट आप डालने जा रहे हो, बड़ी बड़ी बातों पे मत डालो, जो ऊपरी दिखावा है उस पे मत डालो, जो तुम्हारी जिंदगी में गुजर रहा है, जो तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा अनुभव है, तुम्हारी परिस्थिति है, उसको सोच, उसको समझ के कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ, तब वोट डालो। ये न्याय यात्रा है राहुल जी। भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर क्यों चले? इस देश को एक रखने के लिए, ये कहने के लिए कि ये देश एक है, सब एकजुट हो जाओ, आगे बढ़ोगे। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हैं, तो इस यात्रा में न्याय शब्द क्यों जोड़ा है? न्याय शब्द इसलिए जोड़ा है क्योंकि आज यहाँ के नौजवानों के साथ, देश के नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। आज देश की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। आप मेहनत करते हैं, आपके पेपर लीक होते हैं, आप मेहनत करते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, आप मेहनत करते हैं, महंगाई का सामना करते हैं, किसानों का जो बकाया होता है वो नहीं मिलता, किसानों के कर्ज माफ नहीं होते, बड़े बड़े उद्योगपतियों के होते हैं। तो देखिए, मैं फिर से आग्रह करूंगी, आज आप इस यात्रा में जुड़ने आए हैं तो हमें देखने नहीं आए हैं, अपनी परिस्थिति को समझने आए हैं, और ये समझने आए हैं कि जब तक आप बदलाव नहीं लाओगे, तब तक आपकी परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। और मैंने बहुत लंबा बोल लिया, भैया भी बोलेंगे, एक बार जोर से बोलो, एक बार जोर से बोलो, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। आप सबका बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सुनाई नहीं दिया, कैसे हैं आप लोग? अच्छा भैया, यहां पे जीप पे कौन खड़ा होगा? आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, ये जो है उनके पीछे, आप आ जाओ। नाम क्या है भैया आपका? कौशिक जी, ऊपर आइए जरा। अब भैया देखिए, आपका नाम क्या? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ भैया। नाम क्या आपका? आयुष कौशिक जी हैं। नमस्कार करो जरा। अब बताओ मुझे एक बात, अभी बुलाएंगे, आयुष जी से नहीं पूछ रहा मैं, आपसे पूछ रहा हूं। आयुष जी जरा इधर देखिए। अब मान लो अगर हमें आयुष जी की जेब काटनी हो,
मान लो हमने सोचा कि भैया आयुष जी की जेब काटो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, सबसे पहले भैया आयुष जी उधर देखो जरा, हाँ वो देखो भैया, ये देखो इधर देखो जरा भैया, वो ऊपर देखो फ्लाईओवर की ओर देखो जरा, ये पहले ये करना पड़ेगा, पहले इसका ध्यान भटकाना पड़ेगा। सही, ये काम आपके लिए नरेंद्र मोदी जी करते हैं। भाई और बहनों वो उधर देखो, भाई और बहनों इधर देखो, भाई और बहनों ऊपर देखो, भाई और बहनों नीचे देखो। अब उसके बाद क्या चाहिए आपको? उसके बाद कौशिक जी जरा घूमिए जरा, उसके बाद जब उसका ध्यान चला जाएगा पीछे से कोई आएगा, है ना, किसी को आना पड़ेगा। वो कौन है भैया? वो अदानी है, वो अंबानी है, ठीक है। अब मान लो ध्यान भड़का दिया और पीछे से जेब काट दी, तो तीसरी किस चीज की जरूरत है? हाँ भैया मुझे ये डंडा लाठी देना जरा, ये झंडा उतारो इससे, नहीं इससे काम चलेगा, छोटा नहीं चाहिए बड़ा चाहिए ये। और ये तो पहला जो ध्यान भटकाता है नरेंद्र मोदी जी, दूसरा जो जेब काटा है काटता है अदानी जी, और तीसरा जो डंडा लिए घूमता है अमित शाह। कही भैया तुम लोगों ने कुछ किया? जब ईडी आई, सीबीआई आई, इनकम टैक्स आई, पुलिस वाले आए, तो कुछ किया, तो फिर देखो कैसा डंडा लगता है। आयुष जी धन्यवाद आपका, अभी करते फोटो ले लो, आ जाओ, ये भैया सेल्फी का जमाना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहां बैठ जाओ। धन्यवाद। तो ये हुआ बीजेपी का सिस्टम, एक व्यक्ति ध्यान भटकाता है, कभी आपको बॉलीवुड की बात बताएगा, कभी आपको उधर देखने को कहेगा, कभी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करेगा, मगर ध्यान भटकाएगा आपका। उसके बाद पीछे से अदानी जी आएंगे, जेब काट जाएंगे, और दूसरी तरफ तीसरी साइड अमित शाह जी चुप ऐसे बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे कि अगर किसी ने कुछ किया तो मैं दिखाता हूं, ये इनका सिस्टम है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश में पिछड़ों की कितनी आबादी है? 50% पिछड़े हैं। इस देश में माइनॉरिटी की कितनी आबादी है? 15% माइनॉरिटी है। इस देश में दलित कितने? दलित भाई 8% नहीं 15%, और आदिवासी कितने? 8%। जोड़ के बताओ मुझे, 50 और 15 कितना हुआ? 65। 65 और 15 80। 80 और 8 88। भाई और बहनों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो 90% जनता है इस देश में, दलित आदिवासी पिछड़े माइनॉरिटी, इनको इस देश में कितनी भागीदारी मिल रही है? यह सबसे बड़ा सवाल है। आप सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, 200 कंपनियां सबसे बड़ी वाली, उसमें 90% का एक मालिक मुझे दिखा दो। आपको एक मालिक 90% का नहीं मिलेगा। उसके बाद आप मैनेजमेंट टीम में की लिस्ट निकालो, उसमें आपको 90% का एक नहीं मिलेगा। फिर आप कहो ठीक है 90% हिंदुस्तान की कंपनी का मालिक नहीं बनने चाहते, मैं नहीं कहता, मगर आपने मान लियो कह दिया, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा भैया ठीक है 90% के मीडिया में कितने? मीडिया में कितने? एक नहीं है। आप मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो, आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा। फिर बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालो, 90% में से आपको एक नहीं मिलेगा। फिर आप मुझसे कहोगे नहीं राहुल जी 90% को
ना मीडिया में भागीदारी चाहिए, ना हमें बड़ी कंपनियों में भागीदारी चाहिए। फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है भैया बताओ प्राइवेट अस्पतालों में आपके कितने लोग? एक भी नहीं। फिर पूछूंगा भैया, ठीक है प्राइवेट अस्पतालों में भागीदारी नहीं चाहिए तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में तुम्हारे कितने लोग? एक भी नहीं। अरे भाई तुम लोग हो कहां? तुम हो कहां? मैं बताता हूं तुम्हें, मनरेगा की लिस्ट निकालो, उसमें आप सब लोगों के नाम दिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, उसमें आपके सब नाम दिखेंगे। मगर हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी कंपनियों में, हाई कोर्ट में, मीडिया में आपके नाम नहीं मिलने वाले। नरेंद्र मोदी जी आपसे कहते हैं कि ये सबका हिंदुस्तान है, ये सबका हिंदुस्तान कैसे है अगर इसमें 90% लोगों को कोई भागीदारी नहीं मिल रही। हमने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, मैं आपको रास्ता भी बता देता हूं। अगर 90% को भागीदारी चाहिए तो पहला कदम, जैसे जब हार्ट टूटता है पहला कदम क्या कराते हो आप? एक्सरे कराते हो ना, तो वैसे ही पहला कदम जाति जनगणना है। इससे क्या होगा, 90% को पता लग जाएगा कि आप कौन हो, कितने हो, और सबसे ज्यादा जरूरी आपके हाथों में हिंदुस्तान का कितना धन है। बात समझ आई? आपको कहा जाता है कि भाइयों और बहनों एक दूसरे से नफरत करो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाया जाता है, और फिर जो आपका धन है 24 घंटा आपसे वो धन लूटा जाता है। मुझे बताओ हिंदुस्तान के एयरपोर्ट किसके हाथ में है? मुझे बताओ हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो दिए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं? मुझे बताओ हिमाचल के सेब किसके हाथ में जाते हैं? मुझे बताओ हिंदुस्तान के सबसे पोर्ट, बड़े पोर्ट किसके हाथ में है? मुझे बताओ अग्निवीर योजना क्यों की गई? क्योंकि जो आपका रास्ता था, 90% का रास्ता था, उसको बंद करना था, और अदानी जी को जो कॉन्ट्रैक्ट, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट देने थे, वो सारे के सारे इस सरकार ने दिए अदानी जी को। तो आपको जागरूक होना है, आपको यह सवाल पूछना है हर रोज सुबह, ये पूछना है कि 90% आबादी को इस देश में कितनी भागीदारी मिल रही है, कितना धन 90% के हाथों में है, यह सवाल आपको पूछना है, और कोई सवाल ही नहीं है। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर आपके साथ चला, 4000 किलोमीटर, उसमें यात्रा से एक नारा निकला, यात्रा से निकला, मैंने नहीं बोला, यात्रा से निकलता है नारा निकलता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो सबसे पहला काम नफरत को मिटाने का है, भाई को भाई से गले मिलाने का है, यह सबसे पहला काम है। देशभक्त देश को जोड़ता है, देशभक्त देश को तोड़ता नहीं है, देशभक्त मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, नफरत के बाजार नहीं चलाते हैं। यह मेरा आपके लिए मैसेज है, आप जो भी करते हो करो, मगर सबसे पहले एक बात समझ लो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता। कभी आपने देखा है कि नफरत से नफरत कट गई? जोर से बोलो, देखा है?
नफरत मोहब्बत से कटती है और आप सबके दिल में, सबके दिल में मोहब्बत ही मोहब्बत है। अब सिर्फ आपको वो मोहब्बत दिखानी है, लोगों से गले मिलना है और कहना है कि हम इस देश में नफरत को नहीं फैलने देंगे, हम डरेंगे नहीं, हम मोहब्बत फैलाएंगे, 24 घंटा मोहब्बत फैलाएंगे और नफरत को मोहब्बत से काटेंगे। आप सब यहां आए इसके लिए दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने यात्रा में अपनी पूरी शक्ति दी, आपने अपना प्यार दिया, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।